अमन का है मजहब, ये कातिलों का कलाम है, मुजाहिद का जिहाद ही जिहाद इस्लाम है। नमस्कार आदाब साथियों, मैं हूं आपके साथ जफर हेरेटिक, आपका दोस्त, आपका होस्ट। मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही घंटी के बटन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑप्शन को सिलेक्ट कर लें। अपने अंदर के शैतान को हराना और जिद्दोजहद करना, क्या यही जिहाद है? नॉन मुस्लिम लोगों के मन में फेक इस्लामिक पीस को भरने की सच्चाई ही आज के वीडियो में जानेंगे, तो आइए शुरू करते हैं। मजहब इस्लाम, जिसका साइंस और इंसानियत में कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं है, उसी मजहब का टेररिज्म में कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है, ये दुनिया से छुपा नहीं है। इसे इस्लाम में जिहाद कहते हैं, जिस अल्फाज को खुद मुस्लिम भी पसंद नहीं करते, पर कुछ लोगों ने इसी अल्फाज का मतलब सिर्फ अपने अंदर के शैतान और बुराई से लड़ना बताया है, ताकि नॉन मुस्लिम को भी इस्लाम की पीसफुल खूबसूरती दिखाकर इस्लाम में कन्वर्ट किया जा सके। आजकल दुनिया में दो तरह के मुस्लिम हैं, एक जो 1400 साल पुराने इस्लाम के सच्चे जिहाद को जानते हैं और इसे पूरा करने की हर संभव कोशिश करते हैं, पर ऊपर से नॉन मुस्लिम से इसे छिपा कर करते हैं। दूसरे वो पीसफुल लोग होते हैं जिन्हें इसका सच्चा मतलब तब तक पता नहीं चलता जब तक इस्लामिक राज ना आ जाए। ये लोग तब तक इस्लाम को पीसफुल मजहब और जिहाद को अपने अंदर की बुराइयों से लड़ने की अमन की एक चीज ही समझते हैं। इंडिया में दोनों ही कैटेगरी के लोग पाए जाते हैं, और दूसरे वाले पीसफुल लोग ही हैं जिनकी आंखें मैं इस वीडियो के जरिए से खोलना चाहता हूँ। जिहाद फी सबीलिल्लाह, जिसका असल मतलब है इस्लाम को फैलाने और अल्लाह के रास्ते में लड़ना या स्ट्रगल करना, और ये जिहाद हर मुसलमान को करना कितना ज़रूरी है ये आगे की दलीलों में साफ हो जाएगा। मुस्लिम 1884, रसूल ने फरमाया, जो शख्स अल्लाह के रब होने, इस्लाम के दीन होने और मोहम्मद के नबी होने पर दिल की गहराई से राज़ी हो गया, इसके लिए जन्नत वाजिब हो गई। इसके बाद इस हदीस में आगे एक और बात आती है ध्यान देने वाली, एक और स्पेशल रिवॉर्ड, उस बंदे के 100 दर्जे बुलंद किए जाते हैं और हर 2 दर्जे में ज़मीन और आसमान जितना फासला होता है। कहा, अल्लाह के रसूल, वो बात क्या है? आपने फरमाया, अल्लाह के रास्ते जिहाद करना। मतलब अल्लाह के रास्ते में जिहाद करने वाला एक नॉर्मल मोमिन से ज़्यादा रिवॉर्ड पाएगा। हम अक्सर सुनते थे कि अल्लाह की नज़र में दुनिया का हर इंसान बराबर है, चाहे मुस्लिम हो या काफिर, पर असल में अल्लाह की नज़र में खुद मुस्लिम मुस्लिम बराबर नहीं है, अल्लाह सिर्फ जिहादियों को ही पसंद करता है। अब कुरान से इस बात का सबूत देख लेते हैं। कुरान 495, मुसलमानों में वे लोग जो किसी मजबूरी के बगैर घर में बैठे रहते हैं और वे जो अल्लाह की राह में जान और माल से जान तोड़ कोशिश करते हैं, दोनों की हैसियत बराबर नहीं है। अल्लाह ने बैठने वालों के मुकाबले जान माल से जिहाद करने वालों का दर्जा बड़ा रखा है। हालांकि हर एक के लिए अल्लाह ने भलाई का ही वादा फरमाया है, मगर उसके यहाँ जान तोड़ कोशिश करने वालों की खिदमतों का बदला बैठे रहने वालों से बहुत ज़्यादा है। मतलब साफ है, अल्लाह को जान और माल से अल्लाह की राह में जिहाद करने वाला ज़्यादा पसंद है। बल्कि एक सबूत तो और आज ऐसा देता हूँ जिससे ये भी साबित होता है कि अल्लाह को वो अपना मोमिन पसंद ही नहीं जो चैन और अमन से मेहनत करके दुनिया में खाना कमाना चाहता हो। ऐसे लोगों को तो अल्लाह जानबूझकर मुसीबतें भेजता है ताकि वो मेहनत ना करके जिहाद करें। तो आइए ये सबूत भी देख लेते हैं। अबू दाऊद 3462, रसूल ने कहा, जब तुम खेती बाड़ी में मस्त व मंग रहने लगोगे और जिहाद को छोड़ दोगे तो अल्लाह ताला तुम पर ऐसी जिल्लत मुसल्लत कर देगा जिससे तुम इस वक्त तक निजात ना पा सकोगे जब तक कि अपने दीन की तरफ ना लौटाओगे। मतलब साफ है कि आप अपने चैन अमन की रोटी ना खाएं बल्कि खुदा के लिए जिहाद करें। तो आखिर ये किस तरह का जिहाद है जो अल्लाह को इतना पसंद है, देखते हैं। मुस्लिम 1902, रसूल ने कहा, जन्नत के दरवाजे तलवार के तले हैं। यह सुनकर एक खस्ता हाल शख्स खड़ा हुआ और कहने लगा, अबू मूसा, क्या तुमने रसूल को खुद ये फरमाते हुआ सुना था? इन्होंने कहा, हाँ। यह सुनकर वो शख्स वापस अपने साथियों के पास गया और कहने लगा, मैं तुम्हें अलविदाई सलाम कहता हूँ। फिर इसने अपनी तलवार की नियाम तोड़कर फेंक दी और नंगी तलवार लेके दुश्मनों से तब तक लड़ा जब तक कि वो शहीद ना हो गया। हदीस से क्या सीख मिलती है वो आप अच्छी तरह समझ सकते हैं। इब्ने मजा 2494, मैं नबी के पास आया और पूछा, अल्लाह के रसूल, कौन सा जिहाद ज़्यादा अफजल है? आपने फरमाया, जिसमें मुजाहिद का खून बहा दिया जाए
और जिसके घोड़े को भी ज़ख्मी कर दिया जाए। तो इस हदीस से साफ हो जाता है कि अल्लाह को वो जिहाद पसंद है जिसमें खून बहे। अच्छा, साथ में यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह भी है कि इस हदीस के हिसाब से ता उम्र मुजाहिदीन घोड़े पर ही लड़ेंगे, क्योंकि इस्लाम की टीचिंग्स ता कयामत तक हैं और अल्लाह सब जानता है। अब आपको थोड़ी सी कुरान की आयतें दिखाता हूँ जिसमें अल्लाह की काफिरों के लिए जो नफरत है वो साफ दिखाई देगी और पता चलेगा कि एक मुसलमान के लिए इनसे लड़ना कितना बड़ा फ़र्ज है। कुरान 9:5, जब हराम महीने बीत जाएं तब मुशरिकों को जहां भी पाओ कत्ल करो और उन्हें पकड़ो और घेरो, हर घात में उनकी खबर लेने के लिए बैठो। कुरान 8:39, ऐ लोगों जो ईमान लाए हो इन काफिरों से जंग करो यहां तक कि फितना बाकी ना रहे और दीन पूरे का पूरा अल्लाह के लिए हो जाए। कुरान 8:12, और वे वक्त जबकि तुम्हारा रब फरिश्तों को इशारा कर रहा था मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम ईमान वालों को जमाए रखो, मैं अभी इन काफिरों के दिलों में रोब डाले देता हूँ, तो तुम उनकी गर्दनों पर मारो और जोड़ जोड़ पर चोट लगाओ। इसके अलावा मोमिनों को ये भी जान लेना चाहिए कि उनकी नमाज, रोज़ा, ज़कात ये सब कुछ करने के बाद भी कोई गारंटी नहीं कि आप जन्नत जाओगे, जबकि जिहाद करने वाले ज़रूर जन्नत जाएंगे। ये अल्लाह ने इस आयत में वादा भी किया है। और एक बात, जहां इस्लामिक हुकूमत होगी वहां के नॉन मुस्लिम लोगों को जिंदा रहने के लिए एडिशनल टैक्स भी देना होगा। कुरान 9:29, जंग करो अहले किताब में से उन लोगों के खिलाफ जो अल्लाह के आखिरत के दिन पर ईमान नहीं लाते, और जो कुछ अल्लाह और उसके रसूल ने हराम करार दिया है उसे हराम नहीं करते और दीन हक को अपना दीन नहीं बताते, इनसे लड़ो यहाँ तक कि वे अपने हाथ से जजिया ना दें। और ऐसा नहीं है कि ये केवल किताब में लिखा है, नहीं, ये इस्लामिक मुल्क बनते ही अप्लाई किया जाता है और नॉन मुस्लिम्स को ये टैक्स देना होता है नॉन मुस्लिम बने रहने के लिए। और इंडिया में भी इस्लामिक हुकूमत के वक्त इसे अप्लाई किया गया था। इस्लाम का अमन तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया, अब इस्लाम का भाईचारा भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। दोस्ती तो दूर की बात है, बल्कि खुद इस्लाम अपनों को ही आपस में लड़वाता है, चाहे वो आपका सगा भाई या बाप ही क्यों ना हो। कुरान 9:23, ऐ लोगों जो ईमान लाए हो अपने बापों और भाइयों को भी अपना साथी ना बनाओ अगर वे ईमान पर कुफ्र को तरजीह दें, तुम में से जो उनको साथी बनाएंगे वही जालिम होंगे। अब इस्लाम की दोस्ती भी देख लेते हैं। कुरान 4:89, वह तो ये चाहते हैं कि जिस तरह से वो खुद कुफ्र में पड़े हुए हैं उसी तरह तुम भी कुफ्र में पड़ जाओ ताकि तुम और सब बराबर हो जाएं, पर उनमें से किसी को अपना दोस्त ना बनाओ जब तक कि वो अल्लाह की राह में घर बार छोड़कर ना आ जाएं। अगर वह घर बार छोड़ने से रुकें तो जहां पाओ उन्हें पकड़ो और कत्ल करो, और उनमें से किसी को अपना दोस्त और मददगार ना बनाओ। तो ये है इस्लाम का भाईचारा, भाई कातिल कातिल हैं और चारा हम सब हैं। आखिर में वो दलील जिनसे बिना किसी शक के इस्लाम में जिहाद क्या और किस तरह किया जाता है उसका पता चल जाएगा। खुद रसूल ने किस तरह चीज़ें हासिल करी खुद उनकी ज़ुबानी। बुखारी 2977, रसूल ने कहा मैंने हमेशा आतंक से ही जीत हासिल की है, और जब मैं सो रहा था तब ज़मीन के खजानों की चाबी मेरे पास लाई गई और मेरे हाथ में रख दी गई। तो ये थी सच्चाई इस्लामिक जिहाद की। तो मेरे मुस्लिम भाइयों, मैं जानता हूँ कि आप में से बहुत सारे लोग ये सब जिहाद नहीं करना चाहते होंगे और इस्लाम को अभी भी पीसफुल मज़हब समझते होंगे, लेकिन जो कुछ मैंने बताया वो सब सच है। इस्लाम यही चाहता है आपसे, और यही रीज़न है कि इस्लामिक कंट्रीज़ के हालात आज इतने बुरे हैं, चाहे वो मोमिनों के लिए हो या काफिरों के लिए हो। दरअसल ये लड़ाई ईमान फैलाने की है ही नहीं, बल्कि ये लड़ाई है इस्लाम के नाम पर हुकूमत का दायरा बढ़ाने की। कुछ लोग अपने फ़ायदे के लिए आपका इस्तेमाल करना चाहते हैं, और मेरी ये लड़ाई आपको इस साजिश से बचाने की है, ना कि आपके ईमान को बरगलाने की। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता अगर 10,000 मुस्लिम्स इस वीडियो को देखकर उनमें से 8,000 मुझे गाली दें। मुझे फ़र्क पड़ता है उन 2,000 लोगों का जो मेरी बात को समझें और इस साजिश से बचें। तो सभी से गुजारिश है कि इंसानियत की खातिर मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ और इंसानियत के इस मिशन का एक हिस्सा बने। बाकी आज के शो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड में एक और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सुरक्षित रहें और अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, साइंस हाफिज़।